यूक्रेन मामले में अगर अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए तो पुतिन और शी जिनपिंग की नजदीकी बढ़ जाएगी, दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग भी बढ़ सकता है और ये बात भारत के लिए बहुत खतरनाक होगी क्योंकि अभी तक रूस ने भारत और चीन के बीच किसी का भी पक्ष नहीं लिया। लेकिन अगर यूक्रेन विवाद में भारत अमेरिका के करीब दिखा तो पुतिन कब तक निष्पक्ष रहेंगे कहा नहीं जा सकता। ये 2 महीने पहले की तस्वीर है जब व्लादिमीर पुतिन कोरोना महामारी के बीच दूसरी बार रूस से बाहर निकले थे। व्लादिमीर पुतिन ने कुछ घंटों की यात्रा के जरिए बता दिया कि भारत उनके लिए कितना अहम है। इसी तरह की गर्मजोशी पिछले साल सितंबर महीने में देखने को मिली जब राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन से पहली बार पीएम ने मुलाकात की थी। इस दौरे में जिस तरह से बाइडेन ने पीएम को गले लगाया उसने बाइडेन प्रशासन में भारत से रिश्तों पर उठ रहे सवालों को एक झटके में खत्म कर दिया। भारत को अगर चीन का सामना करना है तो उसके लिए अमेरिका के साथ साथ रूस के साथ भी साझेदारी की जरूरत होगी। इसीलिए इस विवाद पर भारत के विदेश मंत्रालय ने बहुत सदी प्रतिक्रिया दी। Somebody said, what do we know? हम राजनयिक बातचीत के जरिए जल्द तनाव को खत्म करने और मुद्दे का हल करने के समर्थक हैं। मिन्सक समझौते को लागू करने को लेकर कुछ स्वागत योग्य कदम उठाए गए हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अ फ्यू डेज अगो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर स्पोक एट लेंथ ड्यूरिंग हिज विजिट टू ऑस्ट्रेलिया इन रिस्पांस टू आई थिंक नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड इवन अदरवाइज। अमेरिका और रूस के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश में भारत ने 31 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूक्रेन तनाव पर चर्चा के लिए होने वाली वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन जब चर्चा हुई तब वहाँ मौजूद भारत के प्रतिनिधि ने इस तनाव को कम करने और क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता की अपील की। इसी तरह नवंबर 2020 में यूक्रेन क्रीमिया में कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में यूएन में एक प्रस्ताव लाया गया, उस वक्त भारत ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। इससे पहले 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार ने क्रीमिया को मिला लेने के बाद रूस पर लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों का विरोध किया था, लेकिन अब हालात जंग के बने हुए हैं। अमेरिका और रूस खुलकर एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं। नाटो के जनरल सेक्रेटरी के बयानों का हमने अभी पता नहीं लगाया और ना ही हमें उसमें कोई दिलचस्पी है। वो ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनकी बातों को गंभीरता से लिया जाए। वो पहले से ही नाटो के नाकाम सेनापति हैं। इसलिए यदि हमारे पश्चिमी साथी इसके लिए तैयार हैं तो हम एक गंभीर वार्ता करेंगे। रूस दावा कर रहा है कि नाटो की सदस्यता का झांसा देकर अमेरिका यूक्रेन को बरगला रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को आगाह भी किया है कि वो नाटो में शामिल होने का सपना देखना छोड़ दे। यही विवाद की जड़ है जिसने भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। सवाल यह है कि अगर जंग हुई तो क्या भारत निष्पक्ष रह पाएगा। इस सवाल पर पूर्व राजनयिक अनिल त्रिगुणायत कहते हैं, आप कोई साइड लेने के पक्ष में इस तरह से ओपनली नहीं है, लेकिन भारत एक रोल अदा कर सकता है कि रूस और अमेरिका के बीच में एक किसी तरह की मीडिएशन में आ जाए, किसी तरह का एक मैसेंजर जिसको कहते हैं दोनों के बीच में, ताकि अगर उनके बीच की जो गहर परेशानियां हैं या जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं क्या उसमें भारत को मदद कर सकता है। लेकिन साथ ओपनली साथ लेगा इस बात में मुझे डाउट है। तो अगर भारत इसमें कोई मदद कर सकता है तो वो जरूर करेगा, लेकिन यह है कि देखिए लड़ाई कोई नहीं चाहता है और लड़ाई से कोई अंतिम समस्या भी हल नहीं होती है क्योंकि वो हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट फ्रोजन रह जाएगा या एक साइड उसमें हमेशा परेशान रहती है। इसलिए डायलॉग के जरिए डिप्लोमेसी के जरिए अगर कोई सोल्यूशन मिलता है तो वो एक सबसे अच्छी बात होगी और मैं समझता हूँ भारत का उसमें योगदान होना जरूरी है। तो जंग के हालात में भारत की भूमिका बड़ी हो जाएगी। जानकार मानते हैं कि मोदी सरकार के लिए युद्ध होने पर दोनों महाशक्तियों से रिश्तों का इस्तेमाल शांति के लिए करने का विकल्प होगा। कीव से राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, यूक्रेन आज तक।